नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, 9 लग्जरी कारें जब्त और 7 करोड़ के म्यूचुअल फंड फ्रीज। नागालैंड की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा शीघ्र ही होगा नगा समस्या का समाधान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 81वें स्थान पर, पिछली बार की तुलना में स्थिति सुधरी। सीबीआई को स्वतंत्र जांच एजेंसी बनाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत, नहीं चलेगा दंगा भड़काने का केस। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा मंदिर मॉडल पर अयोध्या स्टेशन के निर्माण में कुछ गलत नहीं। भारत आए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी जसपाल अटवाल को डिनर पर बुलाया, मच गया बवाल। ब्रिटेन की संसद के बाहर नफली हमले में सिख की पगड़ी खींचने की कोशिश। सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा यमन में किए गए हवाई हमलों में 15 लोगों की मौत। पेरू में 200 मीटर नीचे खाई में गिरी बर्फ, 44 लोगों की मौत। 2020 में हार के लिए कप्तान विराट कोहली ने मौसम को जिम्मेदार ठहराया। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।